हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीएल के रिवर्ट पॉइंट को रिडीम करने का सिस्टम के बारे में। जैसे रिवर्ट पॉइंट को कैसे रिडीम किया जाता है और इनसे क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं रिवर्ट पॉइंट को रिडीम करके। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, आरबीएल के रिवर्ट पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपको अपने फ़ोन में सिक्योर ब्राउज़र को ओपन करना है और सिक्योर ब्राउज़र से ही अपने को आरबीएल रिवर्ट पॉइंट की जो पोर्टल है उसको ओपन करना है। इसके अलावा आप आरबीएल की जो माई कार्ड एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्ट रिडीम कर सकते हैं या अपने क्रोम ब्राउज़र से भी, आपके पास जो भी ब्राउज़र हो सिक्योर ब्राउज़र होना चाहिए, उससे आप डायरेक्टली आप रिडीम कर सकते हैं। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, आप आसानी से समझ पाएंगे और आप अपने भी रिवार्ड पॉइंट को आसानी से रिडीम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आरबीएल के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको अपने फ़ोन में सिक्योर क्रोम ब्राउज़र से आप rblrewards.com पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ये टाइप करके आप इसको इंटर करोगे तो आपके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवार्ड पोर्टल आ गया है। तो इसमें काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, होम, ट्रेवल, रिचार्ज, शॉप और वाउचर। तो ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको सिंपल ऊपर जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास में जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ। अगर आपके पास ये चीज़ें पहले से हैं तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं कर रखा तो आप जस्ट रजिस्टर है पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं या फिर गूगल जो मेल आईडी है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा गूगल मेल आईडी के थ्रू, ताकि वो आपको याद भी रहे तो आसानी से। जैसे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ सिंपल। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है, वेलकम धर्माराम। और उसके बाद आप अपने कार्ड का स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कार्ड है या एक से ज़्यादा है तो यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो कार्ड शो हो रहे हैं, नीचे हैं टाइटेनियम डिलाइट क्रेडिट कार्ड, ऊपर है मैक्सिमा क्रेडिट कार्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप अपने जो भी शॉपिंग, ट्रेवल या फिर क्या चीज़ आप लेने चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ट्रेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेवल से संबंधित आप जो भी आपको टिकट वगैरह डोमेस्टिक फ्लाइट के, इंटरनेशनल, जो भी आपको लेना है यहाँ पे आप डिटेल्स डाल के जितने रिवार्ड पॉइंट की आवश्यकता होगी वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। आगे आता है रिचार्ज वगैरह, तो रिचार्ज के लिए भी यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया गया है कि मिनिमम पॉइंट्स है जो आपको 1000 रखना होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1000 पॉइंट्स की यहाँ पे रिडेम्पशन के लिए दे रखा है। इसके आगे शॉपिंग का मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप कोई भी शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो शॉपिंग में यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको परचेस करने के लिए मिल जाएगी। आप जितने यहाँ रिवर्ड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है उतने अगर आपके पास रिवर्ड पॉइंट्स है तो यहाँ डायरेक्ट इन चीज़ों को आप परचेस कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी इधर बहुत सारी चीज़ें दे रखे हैं, जैसे ज्वेलरी, अपैरल, मोबाइल, होम किचन, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे आइटम कोई जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है वाउचर, तो आप देख सकते हैं जैसे वाउचर पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वाउचर आपको मिल जाएंगे। जिसका भी वाउचर लेना चाहते हैं आप, सारे यहाँ पे मेंशन है। आप बाटा का, बिग बाज़ार का, सेंट्रल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब आप इसको स्क्रॉल करके सारे वाउचर्स यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे, काफ़ी सारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के वाउचर अवेलेबल है। तो जैसे हमारी नॉलेज में हम ले रहे हैं जैसे अमेजोन का वाउचर, तो सिंपल यहाँ अमेजोन पे क्लिक करना है आपको।
क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि अमेज़ोन का आपको 2000 का ई वाउचर आपको जो है 17,000 रिवॉर्ड फंड्स रिडीम करने होंगे, और हमारे फ़िलहाल जो रिवॉर्ड फंड्स है वो 17,000 से ऊपर है। तो हम इसी 2000 अमेज़ोन का ई वाउचर यूज करते हैं इसमें। तो आपको सिंपल ऊपर क्लिक करना है, ई वाउचर जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है इसको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स है जो आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से अपन को ऐड कार्ड कर देना है, यहाँ से जैसे ऐड टू कार्ड, मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ करने के बाद इसकी डायरेक्ट आपको जो भी सिस्टम में शो हो रहा है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। जो क्वांटिटी है वो हमने एक ले रखी है क्योंकि हमारे पास रिवॉर्ड फंड्स भी इतने ही हैं। यहाँ होने के बाद आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करा है, यहाँ पे डिटेल्स शो हो गई। यहाँ देख सकते हैं आप सारी डिटेल्स, अपन को कहाँ पे कौन सा शिपेड एड्रेस है तो यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका जो बैंक में दिया हुआ है सेम उसी एड्रेस को यूज़ करना है तो यहाँ पे दूसरी तरफ सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिटिंग एड्रेस पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे करने के बाद ये ऑटोमेटिक एड्रेस डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से करने के बाद आपको कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे इधर दिखाई देंगे कि आपके टोटल इतने पॉइंट्स लैप्स होने वाले हैं, और सेलेक्ट यहाँ पे अपन को अपना जिस भी कार्ड से करना है वो इस कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ आपको पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट्स दिखाई देंगे कि इतने पॉइंट आपके यहाँ से लैप्स हो जाएंगे, इसके लिए आपको कन्फर्म करना है। जैसे हमने यहाँ से कन्फर्म कर दिया है तो हमारे पास यहाँ एक OTP आएगा, तो हम यहाँ पर OTP डालते हैं। जैसे कि हमने OTP यहाँ पे डाल दिया है और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ गया है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यानी कि आपने रिवॉर्ड फंड को जो रिडीम किया है वो सक्सेसफुली रिडीम हो गया है। और ये कुछ ही टाइम में हमारे पास मेल आईडी और मैसेज फिर दोनों पे आ जाएंगे इसके, ई वाउचर के जो रिडीमशन नंबर और पिन नंबर दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड करके इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे डाउनलोड हो गया, तो फ्रेंड्स आप भी अपने RBL क्रेडिट कार्ड हैं उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस तरह से रिडीम कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और आप आराम से रिडीम कर सकते हैं। वैसे जो RBL के रिवॉर्ड पॉइंट है वो आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट आपके चले जाते हैं। जैसे कि मैंने 2000 का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर लेने के लिए यहाँ 17,000 पॉइंट को रिडीम किया है, हालांकि पहले ये 11,000 पे आपको 2000 का वाउचर मिल जाता था, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है। इसके साथ साथ 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो यही था RBL का रिवॉर्ड फंड्स का रिडीम करने का प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे ये कितनी देर में रिडीम होके हमारे पास जो वाउचर है वो कितनी देर में आता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जैसे कि हमने फाइनली रिवॉर्ड फंड को रिडीम कर लिया है, और हमारे पास ये आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे हमारे पास वाउचर भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं वैसे इसमें 24 आवर्स का लिखा हुआ था, बट हमारे पास 30 मिनट्स में ही वाउचर आ गया है। तो आपने इस वीडियो में कंप्लीट देखा होगा किस तरह जो रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम किया जाता है, आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।